नमस्कार दोस्तों, MDU कैंपस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बहुत से स्टूडेंट्स के फ़ोन आए हैं जो RLA RLE जिनके रिज़ल्ट में शो किया गया है। दोस्तों RLA RLE RLD AW ABS, ये REP, ये दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी की टर्म्स हैं जो रिज़ल्ट के लिए तय की गई हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर दोस्तों इन अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है, कंडीशन क्या है इनकी और क्यों आती हैं ये, और इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताऊंगा। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं, घूमते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि क्या हुआ रिज़ल्ट का। तो दोस्तों वो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको देखें पूरा और शेयर भी करें। दोस्तों सबसे पहले जो मोस्टली स्टूडेंट को आती है वो है RLA RLE। दोस्तों RLA RLE का मतलब है, RLA का मतलब है दोस्तों रिज़ल्ट लेट ड्यू टू अवार्ड्स, RLE का मतलब है रिज़ल्ट लेट ड्यू टू एलिजिबिलिटीज़। दोस्तों ये दोनों कारण हैं कि इन दोनों का मतलब है, आने का कारण है कि किसी वजह से आपका रिज़ल्ट रुका हुआ है, या तो कॉलेज ने आपके नंबर नहीं भेजे जो असेसमेंट मार्क्स होते हैं, या कोई और दिक्कत है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों RLA RLE का सॉल्यूशन यही है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, वहां से फॉर्म लें, जो गेट नंबर 2 के ऊपर रिज़ल्ट ब्रांच है दोस्तों, उस रिज़ल्ट ब्रांच के अंदर जाएं, वहां से आपका फॉर्म लें, फॉर्म भर के जमा करा दें, आपका शाम तक या 1-2 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट ठीक हो गया जाएगा दोस्तों। और जो इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा आता है वो है AW, उसका मतलब होता है दोस्तों अवार्ड वांटिंग। अवार्ड वांटिंग का मतलब है दोस्तों कि आपके रिज़ल्ट या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं भी मैच नहीं कर पा रहा है, या कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिल नहीं पा रहे हैं। उसका समाधान ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं और जो आपका रिज़ल्ट है जो आया है, ये रिज़ल्ट लेके इसको इसकी कॉपी सबमिट कराएं, इसके बाद आपका रिज़ल्ट फाइनल शो करेगा। इसके बाद दोस्तों है RLD, इसका मतलब है दोस्तों रिज़ल्ट लेट ड्यू टू डिस्प्यूट, कि किसी समस्या के कारण, किसी विवाद के कारण आपका रिज़ल्ट रोक दिया गया है। वो विवाद दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आपके असेसमेंट मार्क्स भेजे कुछ है, लगा कुछ दिए, आपका रोल नंबर मैच नहीं कर रहा, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो डिस्प्यूट है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का डिस्प्यूट है, स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का डिस्प्यूट है, किसी चीज़ को लेके, किसी मार्क्स को लेके, रोल नंबर को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, तो तब RLD शो करता है। उसका भी दोस्तों यही सॉल्यूशन है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, रिज़ल्ट ब्रांच 1 में, रिज़ल्ट ब्रांच 2 में, जिस भी कोर्स की जो ब्रांच है वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना कॉपी सबमिट कराएं। कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं होती दोस्तों, RLA RLE आता है तो उसका समाधान है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों ज़रूरी है, वो ये है कि RLA RLE RLD आने के बाद ये नहीं इसका मतलब कि आपका रिज़ल्ट जो होगा वो कुछ भी और हो सकता है दोस्तों। उसमें आप पास भी हो सकते हैं, उसमें रीअपेयर भी आ सकता है। REP का तो सभी को पता है दोस्तों, इससे तो कोई ऐसा है नहीं जो नहीं जानता होगा, इसको तो सब जानते हैं। REP तो से तो सब डरते भी हैं और लोगों को आती भी है, इसलिए दोस्तों REP का मतलब रीअपेयर होता है। आप RLA RLD RLA का फॉर्म भरने के बाद, इसको ठीक कराने के बाद आपको रीअपेयर भी आ सकती है, आप अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं दोस्तों। कामना उम्मीद यही हमारी कि आप अच्छे नंबर से पास हो, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएँ और अपने RLA RLE का सॉल्यूशन कराएं बिना घबराए, बिना डरे। आप MDU कैंपस न्यूज़ चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर समस्या पे आपको कोई ना कोई रास्ता मिले, कोई समाधान मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।